अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूँ शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के संडे अनकट शो में हम बात करेंगे क्या केसीआर, केटीआर और हरीश राव के बीच नाइत्तेफाकियां बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने आज से कुछ दिन कबल व्हाट्सएप चैनल अनकट प्रोग्राम के जरिए एक एपिसोड मैंने खुद पेश किया था कि आखिर केसीआर का प्लान क्या है, क्यों एडवांस इलेक्शंस चाहते हैं। आप लोगों ने देखा, काफ़ी तादाद में कमेंट्स भी आए, तो आज वो हमारा एपिसोड क्या सच होने जा रहा है, एक बार देखते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने जो एपिसोड पेश किया था, नाइत्तेफाकियां बढ़ती जा रही है, टीआरएस में फूट हो सकती है। इसका सबूत दो दिन कबली सिद्दीपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इब्राहिमपुर गांव में केयर टेकर सीएम के भांजे हरीश राव, जो एक तेलंगाना एजिटेशन की बुनियाद माने जाते हैं, टीआरएस पार्टी की बुनियाद है, वो अपनी स्पीच के दौरान रो पड़े। जज्बात में उन्होंने यह भी कह दिया कि आवाम जो प्यार उन्हें दे रही है, उस प्यार को देखते हुए प्यार से ही सियासत से दूर हो जाएंगे। ये अल्फाज हरीश राव के मुंह से क्यों निकले? अल्फाज निकलने की वजह क्या है? क्या केसीआर हरीश राव को साइडलाइन कर रहे हैं? अपने बेटे केटीआर को सीएम बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है, महसूस तो ऐसा ही हो रहा है। आइए देखते हैं। ఒక్కొక్కసారి నాకు అనిపిస్తుంది, ఇంత ప్రేమ ఇంత ఆదరణ దొరుకుతా ఉంది, ఈ ప్రేమ అభిమానాలతోనే అసలు రాజకీయాల నుంచి విరమించుకుంటే బాగుంటుందా? ఇంతకంటే ఒక మనిషికి ఇంక ఏం కావాలి ఈ జీవితానికన్నా? నాకు అనిపిస్తా ఉంది నాజరీన్, జైసా కే మేనే ఆప్సే కహా కి అగర్ హరీష్ రావు పార్టీ కో రిజైన్ కర్తే హై యా సియాసత్ సే దూర్ హోతే హై तो टीआरएस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हरीश राव एक अपने आप में ताकत रखते हैं, एक अपना कैडर रखते हैं, एक अपना मुकाम रखते हैं, एक उनकी लॉबी भी है पार्टी में। अगर हरीश राव टीआरएस से दूर होते हैं तो टीआरएस का हुकूमत में आना मुश्किल हो जाएगा। उधर कांग्रेस भी इंतजार कर रही है, टीआरएस शायद हरीश राव रिजाइन करेंगे तो उन्हें मधु करेंगे। उधर बीजेपी भी इंतज़ार कर रही है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि सियासत में सब कुछ हो सकता है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर हरीश राव हटते हैं तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आएगा तेलंगाना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।